Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Murtaza Najabat Ali, CEO of Innovative Health Technologies. NHT came into existence as a result of his vision for the betterment of healthcare facilities for the deprived population of Pakistan. Based at NUST, NHT is Pakistan's first facility working on the mass production of life-saving medical devices and implants. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. Same here, thank you. So starting off, we would want you to tell us about yourself. कैसे आपकी professional life का आगाज़ हुआ, कैसे अभी तक की जो है journey वो चली है. We want to know more about it. Actually, it started way back in 2005-6. I studied in three different universities in UK when I was doing my masters in Brunel. In by profession, I'm basically biomedical engineer. Okay. तो masters करते हुए I was doing research on on the development of stents with a company. तो वहाँ पे जब stent बना, तो to my surprise when उसकी costing वगैरह की तो पता चला कि 2-3 British pounds कोई cost आई है. अच्छा. तो that was actually sort of a driving force. और वहाँ से फिर एक letter लिखा गया, मैंने लिखा to the president. जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, एंड इट वाज अ वेरी पेट्रियोटिक, वेरी इमोशनल लेटर वेयर आई सॉर्ट ऑफ प्रपोज टू हिम दैट आई वुड लाइक टू रेंडर माय सर्विसेज फॉर द नेशन, जहाँ पे मैं कॉस्ट इफेक्टिव और गुड क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस बनाना चाहता हूँ. और आपको पता है कि हमारा सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेज, और इस वक्त 100% हमारी जो रिलायंस है as far as medical devices are concerned, it is on imports. Yeah. हम imported medical devices के ऊपर depend करते हैं. जी. तो वो that letter was well received by the president. It was forwarded to different government agencies and ministries. Achha. Like Ministry of Science and Technology, Pakistan Science Foundation, और फिर वो NASSCOM जो National Engineering and Scientific Commission है, उनके chairman के पास भी आया. Dr. Samar Mubarakman, he was chairman NASSCOM at that time. I visited him. And it was a complete day sort of interview. Okay. वहाँ पे पता चला कि they are intending to set up a pilot scale production facility at NASSCOM stents के लिए, जो cardiac stents होते हैं. तो मैंने wind up की चीज़ें, वापस आया, NASSCOM join किया. अच्छा. In 2007. Okay. फैसला ये किया गया कि एक purpose built center बनाया जाए NASSCOM के अंदर. But unfortunately डॉक्टर समर मुबारकमंद ही गॉट रिटायर्ड इन 2009, और उसके बाद NASSCOM दे वर नॉट रेडी टू टेक इट फर्दर टू द कमर्शियल स्केल. ओके. तो आई डिसाइडेड के आई शुड गो बैक टू यूके. तो आई वेंट बैक टू यूके. मैं क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एमफिल वगैरह करके, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में मैं पीएचडी, फिर पोस्ट डॉक कर रहा था. तो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब वापस जाना चाहिए, और अब ये जो ड्रीम है मेरी, इसको परसू करना चाहिए. तो आई एंडेड अप एट NUST यूनिवर्सिटी. आई जॉइंट NUST इन 1 जनवरी 2013, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड पहले आते साथ NUST में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया. अच्छा. और आई एम द फाउंडिंग HOD ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. आई वॉलंटरली स्टेप डाउन फ्रॉम दैट पोस्ट, फ्रॉम दैट पोजिशन आफ्टर अ ईयर और सो, जब वो सारा डिपार्टमेंट उसके जो प्रोग्राम्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD ऑपरेशनल हो गए, रिसर्च लैब्स बन गई, मैंने अपनी रिसर्च भी शुरू कर दी. तो फिर आई डिसाइडेड कि अब मैं वो जो ड्रीम है उसको परसू करूं. इस पूरे जर्नी के अंदर इट वाज अ टर्निंग पॉइंट के NASSCOM में सिर्फ स्टेंट बन रहा था. Okay. और स्टेंट जो है वो माउंटेड होता है अपने डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, जिसको एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर कहते हैं. तो NUST से मैंने जो PC1 जमा कर अप्रूव हुआ NUST में, वो 2014-15 में वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फैसिलिटी थी फॉर
एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर की जो कि डिलीवरी सिस्टम था. अच्छा, दैट वाज अ टाइम व्हेन इट गॉट अप्रूव्ड. तो मैं नेस्कॉम चला गया और नेस्कॉम में काफ़ी कोशिश करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हुई. तो वहाँ पे जो स्टेंट इंडस्ट्री थी वो सारी हमने ट्रांसफ़र की और वहाँ से रीलोकेट की टू नस्ट. और वो वहाँ से शिफ्ट होके सारी नस्ट आ गई जो कार्डिक स्टेंट का वहाँ पे पायलट स्केल एक प्लांट लगा हुआ था. और यहाँ पे अब हमारे पास फंडिंग भी आ गई थी एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर की प्रोडक्शन फैसिलिटी की. अभी इस पॉइंट तक इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज जो है वो उसका ओरिजिन हो चुका था कि अभी इट वाज इन इंसेप्शन मोड, मतलब ये सिर्फ अभी इनिशिएशन चल रही थी. अभी इनिशिएशन चल रही थी, सही. और 2016 में पंजाब में एक स्कैंडल हुआ स्टेंट्स का, जहाँ पे एक्सपायर्ड स्टेंट्स डले पेशेंट्स को और डेथ्स हुई. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी बड़ा स्ट्रिक्टली इसको नोटिस लिया और वहाँ पे उन्होंने मुझे और रेक्टर नस जो हैं उनको बुलाया. और हम दो तीन दिन कंजेक्टिवली जाते रहे उन मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जहाँ पर हमें एक मैंडेट दिया गया कि आप फौरी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि नस जो है दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो PC1 जमा कराएं और एक पर्पस बिल्ट सेंटर बनाएं. अच्छा, तो यहाँ पे फिर ये स्टार्ट हुआ इसका कि हमने वो PC1 जमा कराया एंड ऑफ 2016-17 में, और ये 17 में अप्रूव हुआ. okay. और 17 में ये सेंटर स्टार्ट हुआ, सही, जो अभी जून लास्ट 2020 में जाके कंप्लीट हुआ. okay. और जब ये कंप्लीट हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन दी कि इसको आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसकी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसमें कन्वर्ट कर दें सेंटर को. तो दिस इज़ इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड विद SECP इन लास्ट ईयर जुलाई 2020 में. अच्छा, मूविंग ऑन टू द मेन स्टार ऑफ द शो विच इज़ NHT, द प्रोग्राम फॉर विच वी आर हियर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब अवेंचुअली ये इनिशिएशन वाला एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, एक फेज चल रहा था, विजन क्या रही है और इंस्पिरेशन जो है वो क्या रही है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट. विजन और मिशन एक ही है. हाँ, विजन यही है और मिशन भी यही है कि हम जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है जी, जो 100% रिलाई कर रही है इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर और डिप्राइव्ड भी है, महरूम भी है, उस वो हमारी एक मार्केट है, एक अनटैप्ड मार्केट है जिसको हम टैप करना चाह रहे हैं. और बेसिकली इट्स बेसिकली एक वेलफेयर सॉर्ट ऑफ एक पूरा मिशन है जिसमें अभी करंटली अगर मैं बताऊं तो हमारे इस वक्त दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो रोल आउट हो गए मार्केट में. इसमें बेयर मेटल स्टेंट है, ड्रग लूटिंग स्टेंट है, एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर है. और मैं अगर फैसिलिटी से स्टार्ट लूँ तो ये जो इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की आपने फैसिलिटी आज देखी है प्रोडक्शन, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान. जो यूरोपियन कमीशन की लाइसेंस नोटिफाइड बॉडी के इंस्पेक्टर्स आए, उन्होंने एक एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन करके इसकी सर्टिफिकेशन की. फिर ड्रग हमारी जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनके इंस्पेक्टर्स आए, उन्होंने इंस्पेक्शन करके इसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया. गिवन के आप जैसे बता रहे थे कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अनटैप्ड थी और इससे पहले हम हेविली इम्पोर्ट्स पर रिलाई कर रहे थे, और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा कह लें एक फैसिलिटी है जहाँ पे चीज़ें रिसर्च भी हो रही हैं, प्रोड्यूस भी हो रही हैं ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, जिसका आप हमें आगे भी बताएंगे. तो आप लोगों ने ऑब्वियसली चैलेंजेस तो फेस किए होंगे ना इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपिटल, क्योंकि एक चीज़ है जो यहाँ पे बन ही नहीं रही है. तो वो क्या चैलेंजेस रहे और उनको आपने फिर किस तरह से डील किया? चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं. सप्लाई चेन से अगर हम स्टार्ट लें तो वो सारी टेक्नोलॉजी, उसको रिसोर्स, पहले उसको फंड सारा अप्रूव करवाना, फिर उसको वहाँ से लोगों की लोग ट्रेनिंग कराना. जितना मेरा यहाँ पे जो कोर टीम है वो दे आर ऑल ट्रेन फ्रॉम जर्मनी, और जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्टनर है जर्मनी में, उससे ट्रेनिंग उनकी करवाना, फिर उस सारी वो टेक्नोलॉजी मशीन्स को जिनमें कई काफ़ी हैवी मशीनरी है इंपोर्ट करना, और फिर यहाँ पे उसकी कमिशनिंग, उसकी उसको फंक्शनल करना. फिर यहाँ पे और बड़े चैलेंजेस थे कि हमारी, क्योंकि पाकिस्तान में पहली फैसिलिटी थी और पहली दफ़ा काम हो रहा था, तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी भी उस तरह इक्विप नहीं थी. तो उन वो भी इस पूरे प्रोसेस में, 3-4 साल के प्रोसेस में उन्होंने भी अपने आप को इक्विप किया. वो हमारी कार्डियोलॉजी टीम बनी हुई है इस पूरे
ادارے کے ساتھ جو ہمیں کلینیکل سپورٹ اور گائیڈنس دیتی ہے, اس کی جو ساری قیادت اور جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ جنرل اظہر کیانی کے پاس ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر ندیم رضوی ہیں این آئی سی وی ڈی کے, انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے اس میں. پھر اور اس طرح کے دیگر بے شمار اور کارڈیولوجسٹ ہیں جو اس پورے پروسیس میں انوالو رہے ہیں. یہ تو چیلنجز رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی مدد رہی ہے. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ یہ سلسلہ آگے اسکیل اپ ہوتا رہے. اور کیا دیکھتے ہیں آگے فورن ایکسچینج پہ کیا امپیکٹ لے کر آ سکتا ہے این ایچ ٹی؟ دیکھیں, پہلے تو این ایچ ٹی کا انیشیل جو ٹارگیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری کیپیسٹی اس وقت 25-30% آف دا ڈیمانڈ آف دا کنٹری ہے. ہماری ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم 100% ڈیمانڈ پوری کر سکیں, کیونکہ ڈیزیز فیکٹر اور اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اگر انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ 30% پاپولیشن جو ہے, اسپیشلی ڈپرائیوڈ پاپولیشن, اس کو اگر ہم ٹیپ کر پاتے ہیں تو ہمیں آگے ہماری ریکویسٹ ہوگی اسپیشلی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یا ان انویسٹرز کو جو اب اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس کی ایکسپینشن میں, کہ ہم اس کو اسکیل اپ کریں ٹو دا لیول کہ ہم اس کو ملک کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں, اور پھر آنے والے وقت میں ہم اس میں ایکسپورٹس میں جائیں. اور ناٹ ایون ہم فورن ایکسچینج کو کرٹیل کریں جو اتنی کنزیوم ہوتی ہے آن اینول بیسس, ہم فورن ایکسچینج جنریٹ کریں آنے والے وقت میں کنٹری کے لیے. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے کافی کچھ اچیو کر لیا ہے, اینڈ اٹ مائٹ یو نو سم ٹائمز اٹ گیٹس ٹو یور ہیڈ کہ آئی ہیو ڈن انف. اگر یہ پرپز نہ ہوتا تو یہ فیلنگ ہوتی, بٹ اس پرپز سے مجھے تو ہر وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے تو ابھی بہت کچھ اور یہ کرنا ہے. ویلکم بیک ٹو آور شو. اچھا, موونگ آن, گلوبلی اور کن ملکوں میں جو ہے یہ پروڈکشن ہو رہی ہے اس انڈسٹری میں, اور ساؤتھ ایشین جو ایک ہمارا ریجن ہے اس میں کتنے کہہ لیں پلیئرز ہیں ان دا سیم انڈسٹری گلوبلی؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ دے آر لائک 17 کنٹریز وچ آر پروڈیوسنگ کارڈیک اسٹینٹس اینڈ کیتھیٹرز اینڈ میڈیکل ڈیوائسز. ساؤتھ ایشیا میں چائنا اور انڈیا دے آر دا مین پلیئرز. اوکے. اور ان چائنا اینڈ بوتھ ان چائنا ان انڈیا دے آر ملٹیپل انڈسٹریز ہو آر یو نو فلفلنگ دا دیئر ڈیمانڈ اینڈ ایز ویل ایز دے آر آلسو ایکسپورٹنگ اٹ. سو ہم نے تو یہ جرنی ابھی اسٹارٹ لیا, شروع کیا ابھی. مطلب مزید کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری جو یہ انڈسٹری ہے یہ مزید فلرش کرے, سو دیٹ وی کین آلسو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ ایونچولی. جی, یہ پینڈیمک میں اسپیشلی گورنمنٹ کا فوکس کافی شفٹ ہوا ہے ٹورڈز, دے آر ٹلٹڈ ٹورڈز میڈیکل ڈیوائسیز اور اس کی آر این ڈی اور اس کی ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن کے لیے. تو جو کہ پہلے بہت ہو جانا چاہیے تھا, بٹ ابھی یہ ہے کہ کافی ایجنسیز ہیں ہماری اور ہمارے کافی ادارے ہیں جو اس میں کام شروع ہو چکا ہے. اسپیشلی آپ نے سنا ہوگا جب وینٹیلیٹرز کی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہوا, تو وہ کافی ابھی اویئرنیس ہو گئی ہے اور سلسلہ شروع ہو گیا. بٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی ملٹیپل یو نو پروڈکشن اینڈ آر این ڈی فیسلٹیز اکراس دا کنٹری, ادر وائز یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. اچھا, جو یہ آپ کے سارے پروڈکٹس ہیں, امپلانٹس ہیں, کن مراحل سے گزرنے کے بعد, کیونکہ آئی ایم شیور ویریئس ٹیسٹنگس ٹرائلز اور بہت سے بینچ مارکس ہوتے ہوں گے انٹرنیشنلی بھی جن کو میٹ اپ کرنا ہوتا ہوگا, تو وہ کیا پروسیس ہے, کن ایسوسیشن سے آپ لوگوں کو اپروولس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لیے ہیں, تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں اس بارے میں. جو پروڈکشن فیسلٹی ہے اس کی ساری سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. جی. اور اس میں جو لائسنسڈ ہم جو ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے وہ یورپین کمیشن کی جو لائسنسڈ باڈی تھی, اس کے انسپیکٹرز آئے اور انہوں نے آ کے بڑا ڈیٹیلڈ ایکسٹینسو ادھر انسپیکشنس کی. صحیح. اور پھر اس کی فیسلٹی کی پہلے سرٹیفیکیشن کی. جی. اور پھر ڈریپ کے جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے, اس کے ان کے انسپیکٹرز آئے, انہوں نے انسپیکشن کی اور اس کو لائسنس دیا, مینوفیکچرنگ لائسنس دیا. صحیح. اور جتنے ہمارے جو پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت رجسٹرڈ ہو کے لائسنس ہو کے ڈریپ سے رول آؤٹ ہو چکے ہیں, ان کی جو کرونالوجیکلی جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوئے ہیں وہ تین فیزز میں ہوتے ہیں. پہلے نان کلینکل ٹرائلز ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں, بڑے ایکسٹینسو ہوتے ہیں. اچھا. پھر اس کے اینیمل ٹرائلز ہوتے ہیں اور پھر ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں. تو نان کلینکل جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں وہ ہم نے جرمنی سے کروائے ہیں, ایک بڑے رینون ٹیسٹنگ لیبارٹری سے, اور دے ور لائک مور دین 70 ڈفرینٹ ٹیسٹ جو انہوں نے کنڈکٹ کیے, جس میں اس کے پرفارمنس اور میکینیکل ٹیسٹنگ بھی تھی اور بایو کمپیٹیبلٹی کی بھی ٹیسٹنگ تھی, جس میں انہوں نے اسمال اینیملز میں وہ ٹرائلس کیے ہیں. اچھا,
एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ दोज टेस्ट फिर हमने अमेरिकन हार्ट ऑफ पोलैंड में इसके लार्ज एनिमल ट्रायल्स किए जिसमें अमेरिकन स्टेंट्स के साथ डिवाइसेस के साथ कंपैरेटिव स्टडी हुई कि उन्होंने कुछ एनिमल्स में अमेरिकन्स और साथ हमारे स्टेंट्स भी डाले और फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया और माशाल्लाह द रिजल्ट्स वर वेरी प्रॉमिसिंग. एंड ऑफ लास्ट ईयर अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन की थी इस एनएचटी की और ड्यूरिंग इनॉग्रेशन हमने उन सारे डॉक्टर्स को भी बुलाया और वो पेशेंट्स भी डिफरेंट प्रोविंसेस से हमने बुलाए जिनको वो साल पहले स्टेंट्स वगैरह डाले थे. जी जी, तो उन्होंने खुद अपनी एंडोर्समेंट्स और टेस्टिमनीज जो थी वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को दी और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि एज अ पेशेंट जब उनको स्टेंट्स डाले उसके बाद वो किस तरह से एहतियात हो गए अपनी नॉर्मल लाइफ में उन्होंने रिज्यूम बैक किया. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. मतलब सुन के ही इतनी खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ हो रही है एंड इट्स गोइंग टू हेल्प द यू नो इट्स अ बिगर पिक्चर और उस तरह से ये इम्पैक्टफुल भी रहेगा इंशाल्लाह. अच्छा, गिवन दैट यू हैव सो मच गोइंग ऑन और ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरा वेंचर इट्स ऑन योर शोल्डर्स, तो जब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल और कह लें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जो कि अक्सर औकात हो जाता है, तो उस तरह के फेज में हाउ डू यू कीप ऑन going, how do you keep yourself motivated? Purpose of this whole effort, that makes me going, you know, keep going. That is actually the main driving force behind this this process. और demotivation होती है, कई दफ़ा आप discourage हो जाते हैं चीज़ों से, frustrate हो जाते हैं, बट ये जो पर्पस है ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि ये परसिवेरेंस और वो जो कंसिस्टेंसी है उसका चैनल टूटने नहीं देता. एनएचटी जो इदारा है उसमें ख़वातीन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इफ़ दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, और जनरली आप लोग प्रेफर करते हैं ख़वातीन को हायर करना? हमारे पास ख़वातीन काम कर रही हैं और काफ़ी मेजर रोल में भी काम कर रही हैं, स्पेशली इफ़ आई स्टार्ट विद स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग. तो स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोडक्शन है उसकी जो इंचार्ज है वो डॉक्टर मरियम, शी इज़ एक्चुअली अ पोस्ट ग्रेजुएट, माई स्टूडेंट, शी ऑल्सो डिड डॉक्टरेट विद मी अंडर माई सुपरविजन एंड शी हैज़ वर्क विद मी फॉर प्रॉब्ली मोर देन 7 years एंड शी इज़ लीडिंग द स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट एनएचटी. इसी तरह और भी ख्वातीन हैं जो काम कर रही हैं, तो इट इज़ वी आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी यू नो टू ऑल. एंड आई थिंक इवन इन आवर सोसाइटी हमारी ख्वातीन में बहुत रुझान भी है टू ऑप्ट फॉर द मेडिसिन फील्ड और डॉक्टर्स और जितना भी आप कह लें मेडिकली एसोसिएटेड जो फील्ड्स हैं, तो इट्स ग्रेट दैट देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीज इज वेल. अच्छा, एनएचटी इज़ ऑलरेडी अबाउट you know for the betterment of the common man, for the underprivileged. Mazeed CSR ki koi aisi activities ya aap log koi corporate social responsibility ko leke jo kar rahe ho? Basically sabse badi jo cheez hai wo ye hai ki job creation jo hai, bilkul, aur jo ye sort of ek itni bada platform aur opportunity mil rahi hai specially medical engineers ko jo graduate hote hain Pakistan se aur unko R&D mein aur production mein aage koi platform nazar nahi aata aur wo phir brain drain जो है आपका सारा बाहर जाता है और वो बाहर जाके हायर एजुकेशन अचीव करते हैं और वहीं पे इंडस्ट्रीज़ में इंडक्ट हो जाते हैं. सो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है एनएचटी की वो ये है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु कैन परसू देयर कैरियर इन दिस फील्ड एक्चुअली. अच्छा, यू केम विद अ विजन, यू हैड अ ड्रीम दैट यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, और एक बड़े ज़बरदस्त विजन के साथ आप आए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह के तबके के इंसान को जो है वो मिलनी चाहिए, और आपने कि इतना अच्छा और एक प्रॉपर फाउंडेशन भी खड़ी कर ली है, तो कभी कभी लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है एंड इट माइट यू नो समटाइम्स इट गेट्स टू योर हेड के आई हैव डन इनफ. तो कभी अगर ऐसा थॉट प्रोसेस आए तो फिर कैसे, हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग इफ़ यू फील लाइक दैट? प्रोबेबली अगर ये पर्पस ना होता तो ये फीलिंग होती, बट इस पर्पस से मुझे तो हर वक्त ये फीलिंग होती है कि मुझे तो अभी बहुत कुछ और ये करना है. मेरी हमेशा एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है और ये एंग्जाइटी होती है कि अभी ये भी करना है, अब ये अगले स्टेप में ये करना है, ये रहता है, ये डिले हो रहा है, ये पेंडिंग है. तो दिस पर्पस यू नो इट कीप्स यू गोइंग एंड इट कीप्स यू मूविंग
यू नो फॉर बिगर टारगेट्स एंड बिगर ऑब्जेक्टिव्स. सो ये एक कंसिस्टेंसी में सिलसिला चल रहा है जी. सो देर इज आई थिंक आई बिलीव देर इज़ नो एंडिंग टू दैट काइंड ऑफ sort of objective जिसमें आप एक आम आदमी के लिए कुछ कर रहे हैं. आई नेवर हैड अ फीलिंग जो आप मेरे से पूछ रही हैं कि जी मैंने अब इतना अचीव कर लिया. मुझे तो लगता है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया. इट्स जस्ट अ स्टार्ट. अच्छा, प्रोफेशनली कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लेना बहुत मुश्किल लगा हो? इट कैन बी वन मॉन्यूमेंटल डिसीजन और इट कैन बी अ डिसीजन जो आपको हर दफ़ा लेना बहुत डिफिकल्ट लगता हो. जो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि जब आप एक टीम क्रिएट करते हैं और आपको पता है जब व्हेन यू आर वर्किंग विद टीम तो एक इंडिविजुअल के साथ अगर आपकी कंप्लायंस नहीं है ऑपरेशनली और उसको सिस्टम से आपने किसी तरह डिलीनेट करना है और तो मेरे ख्याल से वो सबसे टफ एक डिसीजन होती है कि एक इंडिविजुअल को आप सिस्टम में ला के टीम में एक मिशन का हिस्सा बना के और फिर उससे जो पार्टिंग वाला जो फेज़ होता है ना, लेट गो करना. जी जी, दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट पेनफुल आई थिंक प्रोसेस. इन यू हैव दिस विजन टू डू सो मच फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कॉमन मैन के लिए सारा कुछ. इस सब में हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन और रोल मॉडल? प्रोफेशनली कह सकते हैं, पर्सनली who has that been? Professionally तो आपको बताया कि it's a first of its kind in Pakistan. This kind of sort of effort has never been made in Pakistan. जी. But personally वो सारे individuals जो हमारी history में हैं और हमारे साथ हैं, I'll start with अब्दुल सत्तार ईदी साहब और फिर वो जो हमारे पीछे history में जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमें आज ये पेडेस्टल दिया है जिधर हम बैठ के फ्रीली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और काम कर रहे हैं और रह रहे हैं, वो सारे लोग मेरे लिए आई थिंक रोल मॉडल हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी एक पर्पस के लिए गुजार दी. तो प्रॉबेबली आई वुड आल्सो लाइक माय जर्नी टू बी अलाइंड विद दैट काइंड ऑफ पर्पस, जिसमें अपने लाइफ टाइम में कुछ करके चले जाएँ उस जगह पर जहाँ पर हमने आँखें खोली. ये इन द वेक ऑफ COVID-19 एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी दुनिया में, ग्लोबल वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी और फिर पाकिस्तान में भी थी. तो हमने ये लास्ट ईयर इसकी डेवलपमेंट शुरू की थी. ये इंडिजिनसली बना हुआ वेंटिलेटर है. वेलकम बैक टू आवर शो. अच्छा, मज़ीद भी हमारे कुछ सवाल आते हैं बट हम चाह रहे थे कि आप हमें अपने प्रोडक्ट्स को जो है फिज़िकली वी वांट टू सी देम. तो आई सपोज देर इज़ विजिटिंग गैलरी विच वी कैन गो टू और फिर बाकी हम अपनी कॉन्वर्सेशन वहाँ कंटिन्यू करते हैं. मोस्ट वेलकम. Now that we're here in the visiting gallery, थोड़ा सा हमें बताएं कि NHTA की umbrella के under कौन कौन से products हैं जो currently produce हो रहे हैं? दो किस्म के strengths हैं, एक medicated है और एक non-medicated है. जिसको हम non-medicated है उसको bare metal strength कहते हैं. ये rejuvenate जो है, this is basically bare metal strength. Endeavor is drug-eluting strength. और जो तीसरा product है हमारा ये Vasoglide है जो angioplasty balloon catheter है. सबसे ज़्यादा जो in demand या required होता है वो कौन सा वाला है? वो ये एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर है. okay. और ये ड्रग लूटिंग स्टेंट है. okay. जी, और हमारा ये जो फोर्थ प्रोडक्ट है डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर, ये भी अभी रोल आउट हो जाएगा अगले three to four मंथ्स में मार्केट में. और गिवन कि आप इनको क्योंकि विद इन पाकिस्तान डेवलप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राइसिंग वाइज जो है वो क्या सिनेरियो है? प्राइसेस हमारी जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है. क्योंकि आपको बताया था कि जिस्ट ऑफ द दिस होल एफर्ट इज के हम जो डिप्राइव्ड सेगमेंट है, महरूम तबका है, उसके लिए है. तो मतलब अगर मैं आपको एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर की बात करूं तो ये हम 6,000-6,500 की रेंज में. अच्छा. रिटेल कर रहे हैं. और इसी तरह जो हमारा बेयर मेटल स्टेंट है ये अबाउट 9,500 जो है इसकी प्राइस है. okay. और इसी तरह जो ड्रग लूटिंग स्टेंट है ये रफली अराउंड 20,000. व्हिच इज़ ग्रेट, व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव. और
आपको मैंने क्रोनोलॉजिकली बताया था कि कहाँ से टेस्ट एंड ट्रायल्स इनके हुए, तीनों प्रोडक्ट्स के। ये जर्मनी से ट्रायल हुए, फिर नॉन क्लिनिकल, फिर इसके अमेरिकन हार्ट ऑफ पोलैंड में एनिमल ट्रायल्स हुए, फिर एमरी यूनिवर्सिटी जो जॉर्जिया एटलांटा की सुपरविजन और उनकी सपोर्ट से इसके सारे मल्टी सेंटर ह्यूमन ट्रायल्स हुए यहाँ पे। आगे हम वी वॉन्ट टू ऑल्सो सी सम ऑफ द फ्यूचर प्रोडक्ट्स जिन पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड मूव अहेड। अच्छा, NHT को लेके फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फैसिलिटी वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज, वो बताएं हमें। बेसिकली आप जहाँ पे खड़ी हैं, ये यूनिट वन है, दिस इज कार्डियोवैस्कुलर प्रोडक्शन फैसिलिटी, और ये यूनिट टू है जो स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोमेडिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ पे हम कार्डियोवैस्कुलर स्टेंट्स एंड कैथेटर्स और ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो यूनिट टू जो स्टार्ट हो रहा है और साल बाद इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी थ्रू PC1 अप्रूव हुआ है। और इधर इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस बनेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस हैं। जी, ये इन द वेक ऑफ COVID-19 एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी दुनिया में, ग्लोबल वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी और फिर पाकिस्तान में भी थी, तो हमने ये लास्ट ईयर इसकी डेवलपमेंट शुरू की थी। ये इंडिजिनियसली बना हुआ वेंटिलेटर है हमारा, ऑल मेड इन पाकिस्तान एंड और इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। अच्छा। इसकी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वैलिडेशन भी हमने यहाँ पे कराई हैं, और अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स इसके स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। और मैंने आपको जो वो यूनिट टू दिखाया था जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से स्टार्ट हो रहा है, उसमें इसकी हम इंशाल्लाह साल बाद प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और अभी इसके टेस्ट, ये टेस्ट इन ट्रायल फेज से गुजर रहा है। और सेकेंडली एक देर इज अनदर प्रोडक्ट, ये एक दूसरा प्रोडक्ट है। हमने कोविड में ही ये पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर है, बेसिकली ये PPE डिवाइस है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। और इसका ये हेड गियर है और ये सारा पॉजिटिव एयर के साथ ये एंटीवायरल बैक्टीरियल फिल्टर लगा हुआ है, और इसके साथ 5 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम है। अब ये क्यों ये प्रोडक्ट सरफेस हुआ है, बेसिकली पेंडेमिक सिचुएशन में, और पाकिस्तान इस वक्त इसको इम्पोर्ट कर रहा है, और ये 3,80,000 रुपये का एक यूनिट इम्पोर्ट हो रहा है। और हुआ ये कि जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं US और यूरोप में, उन्होंने अपने सर्जन और फिजिशियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप N95 मास्क ना पहने फॉर लॉन्ग प्रोसीजर्स, इंस्टेड यू शुड वेयर दिस प्रोडक्ट बिकॉज़ दैट कैन बी हार्मफुल। जी, दिस इज रीयूजेबल, रीवॉशेबल, आप इसको कर सकते हैं। जो N95 मास्क की जो साइड इफेक्ट्स हैं कि वो हाइपोक्सिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन होती है, और आप स्किन एलर्जीज होती हैं फॉर लॉन्ग प्रोसीजर्स, तो वो कर्टेल हो जाती हैं। और ये हम 1/5 ऑफ द प्राइस लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसके सारे टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं, इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी अप्रूव कर दिया है। और सेकेंडली ये जो डिवाइस है, दिस कैन बी यूज यू नो एट एनी कंटेमिनेटेड ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, वेदर वो केमिकल इंडस्ट्री है, वो फर्टिलाइजर है, वो फार्मास्यूटिकल है, जहाँ पे कंटेमिनेशन है, फ्यूम्स हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप फ्यूम्स कहीं पे हैज़र्डस अगर फ्यूम्स हैं, तो यहाँ पे इसका जो एंटीवायरल बैक्टीरियल फिल्टर है वो आप निकाल के चारकोल फिल्टर यूज़ करें, तो यू कैन यूज़ इट इन दैट प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हैज़र्डस फ्यूम्स अवॉइड कर सकते हैं। To some lighter questions, मुझे बताएं आपके लिए what is your idea of happiness? Happiness with regards to my profession is the fulfillment of those objectives. Personal भी हो सकता है. Personal would be के spending a good quality time with my family, with my parents, my child, especially बेटे के साथ. अच्छा, जब चीजें बहुत stressful हो जाएं, stress levels are soaring high, what do you do to break it all off? I think walk. Okay. Yeah, especially brisk walk. Acha. Jo hai na, that's a good channel to vent out, the bad feelings and channelize that those thoughts into a productive sort of move. Aur gussa jo hai wo zyada aata hai, kam aata hai? Or how do you deal when you're angry at something? Insaan hu, kabhi vent out kar leta hu, kabhi pee jata hu. Sahi. ज़्यादा पीते हैं कि ज़्यादा वेंट आउट करते हैं? मेरे ख्याल से ज़्यादा पीता हूँ। So, are you fond of reading? And if you're fond of reading, कोई ऐसी बुक जो आप हमारी ऑडियंसेस को सजेस्ट करना चाहें? कुरान
एंड स्पेशली द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान थ्रू डिफरेंट कमेंटेटर्स, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट लेयर टाइम फॉर मी. और मैं उसमें कंटेम्पलेट करता हूँ चीज़ों को, अपनी लाइफ को सेल्फ इवेलुएट करना. सो टुवर्ड्स रैपिंग अप आवर कन्वर्सेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उससे आपने क्या सीखा, सो व्हाट वुड दैट बी? मैंने वही सीखा जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं बर्ड्स में, चूंटी के अंदर, के परसिवेरेंस एंड कंसिस्टेंसी इन योर वर्क. बिकॉज यू विल गेट, यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस पीक्स एंड वैलीज, यू नो, इन योर लाइफ. कभी पीक्स हैं तो कभी वैलीज हैं, तो बट ये कि परसिवेरेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहें, यू विल बी थ्रू. तो मतलब उसमें ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँ और एक चीज़ शुरू की और डिसहार्टन्ड होकर उसको छोड़ दिए. जिस चीज़ में इंसान एफर्ट करता है अल्लाह ताला उसमें उसके लिए कॉरिडोर्स खोलता है. अच्छा, टू सम इट ऑल अप, कोई ऐसा मैसेज या एडवाइस जो आप हमारे यंग इंडिविजुअल्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें, वो क्या होगा? लिव अ पर्पसफुल लाइफ. आई थिंक वट एवर यू डू दैट शुड हैव अ पर्पस इन, यू नो, इन दैट वर्क, एंड दैट पर्पस शुड बी टू हेल्प द, यू नो, deprived people around you. और इंसान इज़ अ बेसिकली सोशल एनिमल, और अगर आप उसमें जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को आप हेल्प नहीं कर रहे अपनी सोसाइटी के अंदर, तो यू आर ऑफ नो यूज़ टू एनीबडी. तो पर्पसफुल लाइफ जो है ना, आई थिंक लिव अ पर्पसफुल लाइफ. वेल, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एंडिंग नोट, एंड इट वॉज अ वेरी आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस के हमारे मुल्क में इतना कुछ, इतना अच्छा हो रहा है, और आप जैसे लोग हैं जो इतने पैशनेटली इन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पूरे एक्सपीरियंस को लेके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो. प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू. सो दिस वॉज अ कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर मुर्तजा नजाबत. He is truly a man who's working day and night for the progression of this country, for the betterment of the common man. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.